अल्लाह की जात ने जो आपका रोजी रोटी का एक जरिया बनाया हुआ है ना, अगर आप उसकी टांग खींचते रहेंगे ना तो आप खुद सोच लें कि अपने ही वो क्या कहते हैं ना, रोजी पे आप लात मार रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह की जात भी जो है ना इस चीज को पसंद नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो है ना, अगर ये टांग खींचते रहेंगे तो अपने हाथों से जो है ना वो गड़ा खोद रहे हैं, उसी में ये गिरा देंगे। वैसे अगर कुदरती तौर पे कहे ना तो ये इस जैसा बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। इनका भी एक्सपीरियंस मैं पिछले साल ले चुका हूँ, लेकिन इस दफा मेरा ना पोस्टिंग का मूड नहीं है अपना। तो पोस्टिंग ना करने की क्या वजह, पोस्टिंग में क्या आपसे इशू है? लोग तो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं पोस्टिंग करो यार, ज्यादा इसमें कमाओ। सर मैं भी प्रमोट करता हूँ, करनी चाहिए। हाँ जी। अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं इसको ये मना नहीं करूंगा। हाँ जी। ठीक है, उसमें बेसिकली थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क जो है ना, रिस्क का फैक्टर थोड़ा ज्यादा होगा। सर जो नॉर्मल एवरेज है ना बॉस, वो 4 से लेके 5 तक है, लेकिन मेरे पास एक फीमेल ऐसी है जिसने 9x तक भी दिए हैं मुझे। तो सर्वाइव रेशियो क्या है? सर्वाइव रेशियो तो सर बेसिकली जो है ना, वो मेरे पास बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ था वो सिर्फ फेल फेलो में हुआ था, बाकी सब की जो है ना वो 90% जो है ना वो सर्वाइवल रेशियो। एक टाइम के बाद ऐसा टाइम भी आता है कि आपको उसके लिए भी जो है ना, या मेल चेंज करना पड़ता है या फीमेल चेंज करनी पड़ती है ब्लड लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये लाजमी सी बात है, ये तो क्या कहते हैं ना, लाइफ सर्कल चलता रहता है, इसमें आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। जो बंदा अल्लाह से डर के करेगा ना, वो इंशाल्लाह जो है ना कामयाब होगा, चाहे कुछ मुश्किलात उसको सामना करना पड़े। जाहिर सी बात है, आप जब सीधे रास्ते पे चलते हैं ना तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप मुश्किल के बगैर जो है ना, कहे ना कि यार मेरे पास अर्निंग आ जाएगी तो दुनिया के किसी काम में नहीं। वो उनका कवर पॉइंट है जी। ये जो वो कहते हैं ना कि भाई आप ये इस तरह करेंगे तो सेल होगा, इस तरह करेंगे तो सेल होगा जी। उनके पास इसके अलावा जवाब नहीं है कोई, ठीक है। अब मैं पिछले 2 साल से मार्केट में इन लू लवबर्ड की, ठीक है। मैं हर तरह का जो है वो कमेंट वगैरह, पोस्ट वगैरह, एड वगैरह लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बर्ड जो है सेल नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि मैंने अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल लगाई है जिनका लोग 12-12 हजार रुपया लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उसमें मैं, वो विजुअल रेड आइज है, अब उसमें मैं कौन सी ऐसी चीज ऐड करूं जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसों में सेल हो। कुछ अगर आपके पास ऐसा है बेसिकली, तो आपने जो अमाउंट लगानी है ना वो आपकी बहुत कीमती है, जो भी न्यू फैंसियर आ रहा है, ठीक है। जब वो उसने मेहनत करके कमाया होता है ना तो उसको आइडिया होता है कि मैंने पैसा कैसे कमाया, ठीक है। तो उसकी ना वो अपनी अमाउंट की अमाउंट को जो है ना वैल्यू खुद दे, ठीक है। वो उस चीज को देखे कि मैंने इसको जो है अगर खर्च करना है तो किस मकसद के लिए करना है जी। बिजनेस के लिए करना है ना, तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप पहले इसके बारे में सर्च करें जी। YouTube भरा पड़ा वीडियो से आप इसके बारे में जानें जी, ठीक है। वहां से आपको मुकम्मल मालूमात मिलती है, आप गेन करें, ठीक है। फिर आप उसमें परचेजिंग करें। आपको आइडिया नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस इस वक्त तक बुरा है तो सारी जिंदगी बुरा रहेगा, या जो नया आएगा उसको बुरा ही एक्सपीरियंस फेस करने को मिलेगा। ये बिल्कुल भी जो है ना, ये इस तरह का कुछ भी नहीं है सर। हो सकता है कोई बंदा आए पहले ही सीजन में लाखों रुपए कमा ले, दैट डिपेंड्स ऑन लक, ठीक है, उसकी लक कैसा काम करती है। तो इसलिए डीमोटिवेट करने का मकसद मेरा नहीं है। मेरा सिंपल सी बात है, जो रियलिटी जो लोग छुपाते हैं, मैंने सिर्फ वो आश्कार की है कि लोगों को पता चले इसमें रियलिटी क्या है, ठीक है। सोच समझ के आए, मैंने तो बताया है कि गोल्ड में भी इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता जितना इसमें मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवकत मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई, जनाब से जी अल्लाह का शुक्र सर। तो भाई सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दीजिए। जी व्यूअर्स, मेरा नाम सुलेमान जावेद है और मैं एक न्यू फैंसियर हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एसी मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन हूँ, ठीक है। और एज अ पार्ट टाइम मैंने जो है ना ये लवबर्ड की जो हॉबी को ना अपनाया हुआ है, इसको हॉबी भी कह सकते हैं और इसको जो है ना मेरा एक साइड बिजनेस भी कह सकते हैं। और मेरी लोकेशन जो है बैजनवाजू रोड लाहौर है। ये जो वजूहात हैं आपके ख्याल में, ये कहीं हॉबी को नुकसान पहुंचाने की वजह तो नहीं मान रही कि हॉबी को नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ लोग ऐसे जान सर कुछ है इस तरह के, क्योंकि कुछ ना इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो कुछ है बड़े बर्ड्स वाले जी, ठीक है, बिग बर्ड्स वाले हैं वो, उनका भी जो है ना सिंपल सी बात है इतनी प्रमोशंस नहीं हुई थी कभी, उनका किसी तरह सिलसिला चल रहा था जी। लेकिन लवबर्ड ने आके डैमेज किया उनके वर्क को, ठीक है।
तो उस वो उनमें से भी कुछ लोग हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना, ये मैंने तो एक अज्यूम किया, इस वक्त एक थोड़ी सी ना लॉबी चल रही है जी। बेसिकली ये कमर्शियल बर्ड्स ने जो है ना जी, ये म्यूटेशन को काफी डैमेज किया। और मैंने बहुत सारे बड़े ब्रीडर्स को देखा जो के कहते थे कि हमारे पास तो जो है ना कमर्शियल खत्म हो चुके हुए, ठीक है, मतलब हमारे पास तो अल्बाइनो खत्म हुए 10 साल हो गए हैं, हमारे पास क्रिमिनो खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। वो भी लोग जो है ना अब प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी आप जो है ना 40% या 60% ये रेशो रखें जी, ये म्यूटेशन और कमर्शियल की, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि अब उनकी जब वो क्या कहते हैं म्यूटेशन का जो है वो थोड़ा सा बुरा हाल होना शुरू हुआ है, तो या तो वो खुद शामिल है या उनके जो अंडर काम कर रहे हैं वो उन लोगों को उन्होंने ड्यूटी दी है कि वो जहां जहां पे कमर्शियल बर्ड का एड देख रहे हैं ना, वो कमर्शियल बर्ड का जो है वो रेट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक के उसकी मैं मिसाल ये देता हूं कि मैंने अल्बाइनो रेड आई की ना, एक ब्रीडर, मतलब ब्रीडर तो नहीं, उसे ब्रीड नहीं की हुई, लेकिन रेडी टू ब्रीड है, 11 to 12 मंथ एज है उसकी, विद डीएनए फीमेल विजुअल रेड आई। सर इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू जो है 18 to 22,000 है, हर किसी की लक पे डिपेंड करता है वो कितने की सेल होती है, ठीक। मैंने वो लगाई है तो सर मेरे पास तकरीबन पहले दिन 95% लोग इस तरह के आए हैं कि जिन्होंने कहा है जी कि जी ये तो 12,000 ईच मिल रही है, ठीक है, 12,000 ईच रेड अल्बाइनो रेड आई मिल रही है, सही है। अब मुझे अगर एक्सपीरियंस ना होता तो मैं तो वो क्या कहते हैं ना, उनको कहता भाई ले जाओ, आपने 20 साल हो गए वो दे देना था उठा के, बिल्कुल सर मैंने दे देना था, ठीक है, मुझे तो आइडिया था कि इसका क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग एक लॉबी अब चला रहे हैं कि जो कमर्शियल बर्ड्स हैं उनको जो है ना वो नीचे गिराया जाए ताकि हमारी म्यूटेशन का जो है ना चूरन बेसिकली वो दोबारा बिकना शुरू हो, ठीक हो गया। तो आप जो लबर्ड की हॉबी है या बिजनेस है, इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्या इसका मुस्तकबिल है या बस लोग इसको ऐसे ही बस खत्म कर देंगे एक दूसरे की टांगे खींच खींच के? सर अगर टांगे खींचते रहेंगे तो मुस्तकबिल तो फिर वो क्या कहते हैं ना, अगर एक इंसान है ना उसकी भी अगर आप फिजिकली भी टांग खींचते रहेंगे ना तो वो एक दिन गिर जाता है, जी जी, ठीक है, वो इंसान भी गिर जाता है, गिर जाता है। ये तो फिर बिजनेस है। और जो इंसान समझ ले कि अल्लाह की जाते जो आपका रोजी रोटी का एक जरिया बनाया हुआ है ना, अगर आप उसकी टांग खींचते रहेंगे ना तो आप खुद सोच लें कि अपने ही वो क्या कहते हैं ना रोजी पे आप लात मार रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह की जात भी जो है ना इस चीज को पसंद नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो है ना अगर ये टांग खींचते रहेंगे तो अपने हाथों से जो है ना वो गड़ा खोद रहे हैं उसी में ये गिरा देंगे। वैसे अगर कुदरती तौर पे कहे ना तो ये इस जैसा बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा, हालांकि मैंने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया लेकिन इस जैसा बिजनेस मैंने नहीं देखा। और मेरी बात अगर किसी को समझ में आ जाए और वो अमल कर ले और इसको ना टांगे खींचना छोड़ दे तो सर हर किसी के लिए इसमें वाफिर जो है ना वाफिर मकदार में जो है अर्निंग है, हर किसी के लिए, ठीक हो गया। तो सुलेमान भाई लोग तो कहते हैं बड़ा पैसा इसमें, तो आप कह रहे हैं कि आपको 1.5-2 साल हो गए तो अभी तक आपने इसमें अर्निंग नहीं की, अर्निंग ना करने की वजह क्या है? सर अर्निंग ना करने की वजह सबसे बड़ा यही है ना कि टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं जी जी, ठीक है, ये किसी को ना बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, सही है। बाकी जो है वो थोड़ा सा ना वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट की जो है गलत करेंगे, अब जाहिर सी बात है मैं भी 85% लोगों में आता हूँ, अब 20% जो अमाउंट बची है उसमें से कभी मेरे पास आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है, मेरे बर्ड्स नहीं सेल होते, वजह ये है कि अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो 20% में मेरे पास कैसे आएगा जी, मुझे ये बताएं। तो फिर तो ये हॉबी फ्लॉप हो जाएगी या बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा जब जो न्यू फैंसरी ग्रो नहीं होगा, तो ये बर्ड सेल किसे करेंगे, कहाँ सेल हो जाएगी? सर यही तो बात समझाने वाली है कि सबको जो है ना मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जी, ठीक है, जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, और आप ये देखें कि आप किसी मार्केट में जाते हैं ना जी, जैसे ये लाहौर में शाह आलम मार्केट है जी, साथ साथ सेम दुकानें हैं, सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं जी, वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, ठीक है, इछरे में चले जाएं, आजम क्लास मार्केट में चले जाएं, साथ साथ दुकानें हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो किसी की टांग नहीं खींचते, ठीक है, वो ये नहीं करते कि बाहर से कस्टमर को पकड़ेंगे यार ये वाला बंदा जो है ना ये फलां चीज गलत दे रहा है, हालांकि उसको पता भी होगा वो गलत दे रहा है ना, लेकिन वो आपको कभी भी इस तरफ गाइड नहीं करेगा, क्यों,
अगर वो मैं कस्टमर को गाइड करूंगा ना तो मेरे भी दुकान में से जो गलत होगी ना चीज वो दूसरा देख लेगा। तो इसलिए मशवरा यही है कि एक दूसरे की टांग खींचना छोड़े और आराम से कमाना शुरू करें। इसमें वाफिर मकदार में अर्निंग है, इतनी अर्निंग है कि दुनिया के किसी काम में नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो कुदरती तौर पर जो है ना वो आप जो है हम सारी सी बात है कुदरती तौर पर जवाल आएगा। तो माशाल्लाह से आपके पास इस वक्त कितने बर्ड लगे हुए हैं और कौन कौन सी म्यूटेशन के लगे हुए हैं? सर मैंने फिलहाल तो बेसिकली इनको काउंट तो नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है तकरीबन कोई मेरे पास अराउंड 20-25 जो है ना पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू से लेके पेल फेलोस तक है। जी जी, तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने बॉक्स भी लगाए हुए हैं, तो बॉक्स से आपने कब से लगा दिए? सर ये अभी रिसेंटली ही लगाए हैं। बेसिकली ना मेरे पास जो बर्ड्स है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने में। ठीक है, तो ये सितंबर स्टार्ट होने लगा, इन्होंने एडजस्ट होते होते इनको मतलब समझ लें क्रॉसिंग भी आते सारा कुछ करते कराते भी है ना सितंबर गुजर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपना वो वाला टाइम बचाना चाह रहा हूँ जो इनकी एडजस्टमेंट का। वैसे तो मैं लेट भी लगा लेता तो मुझे कोई इशू नहीं था। ठीक है, फोस्टरिंग का भी एक्सपीरियंस मैं पिछले साल ले चुका हूँ, लेकिन इस दफा मेरा ना फोस्टरिंग का मूड नहीं है अपना। तो फोस्टरिंग ना करने की क्या वजह है कि फोस्टरिंग में क्या आपको इशू आए? लोग तो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं फोस्टरिंग करो यार ज्यादा इसमें कमाओ। सर मैं भी प्रमोट करता हूँ, करनी चाहिए। हाँ जी, अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं इसको ये मना नहीं करूंगा। हाँ जी, ठीक है, उसमें बेसिकली थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क जो है ना रिस्क का फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाता है उसमें। ये है कि मतलब आप जब अंडे उठा रहे हैं खुदा ना खासा कोई एक भी महंगे बर्ड का आपका अंडा हाथ से गिर गया। ठीक है सर, वो आपको खुद भी आइडिया नहीं अंदर किस किस्म का बच्चा था और दूसरा वो थोड़ा सा क्या कहते हैं हमारे हाथों से जाया होती है। ठीक है, ये चीज है। बाकी फोस्टरिंग बड़ी अच्छी चीज है, मैं खुद करता रहा हूँ जो मैंने चीज की है मैं उसकी तरफ से कभी किसी को जो है ना डिमोटिवेट नहीं करता। ठीक हो गया, तो अगर हम फोस्टर करें तो हम कितने क्लच ले सकते हैं? अगर फोस्टर ना करें तो कितने क्लच ले सकते हैं? सर फोस्टर करने के बाद जो है ना आप कम से कम 5-6 क्लच ले सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मेरे पास जो है लास्ट ईयर ना पेल फेलो का पेयर तकरीबन दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में शुरू हुआ था। जी जी, ठीक है, अगर मैं उसको वैसे छोड़ता तो मैं 1-2 क्लच ले सकता था। जी जी, ठीक है, लेकिन मैंने उसके एग्स जो है पोस्टर किए थे तो सर तब भी जो है ना मतलब समझ लगे जनवरी के स्टार्ट से भी स्टार्ट होने के बावजूद मैं तकरीबन उससे 4 क्लच लिए थे। लेकिन मेरी लक है कि उसमें बच्चे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सके। तो आपको इसमें कोई इशू तो नहीं आए जैसे जो होता है अनफर्टाइल एग्स हो जाते हैं इस तरह के मसले वगैरह तो नहीं आए? नहीं सर, वो कुछ आते हैं। ठीक है, वो मतलब वो उस वक्त आते हैं कि जब आपका जो है ना पेयर बिल्कुल नया होता है। जी, फर्स्ट क्लच में जो है कुछ अंडे फर्टाइल होते हैं कुछ अनफर्टाइल भी आते हैं। पिछले साल काफी अंडे अनफर्टाइल भी आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो पेयर जो है वो नहीं सही। ठीक है, पेयर फर्टाइल है लेकिन किसी वक्त वो मतलब समझ ले के कुछ प्रोसीजर ऐसा हो जाता है जिसमें अंडा फर्टाइल नहीं हो पाता। ना तजर्बाकारी भी हो सकती है कि न्यू फैंसियर बंदा हो वो अपनी भी ना तजर्बाकारी नहीं। इसमें मैं ये कहूंगा कि फैंसियर की तो नहीं, बेसिकली तो वो उसकी आ जाती है ना जो ब्रीडर्स हैं उनको फर्स्ट टाइम जो है ब्रीड करने में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे एग्स में जो है ना फर्टिलिटी की रेशियो बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो बाद जो लोग हैं उनको ये इशू आता है कि डेडिंग सेल हो जाता है उनका, तो डेडिंग सेल का मसला तो आपने फेस नहीं किया? नहीं सर, मेरा जो है ना बेसिकली डेड इन शेल जो है कोई भी इस किस्म का इशू नहीं आया। जी जी, ठीक है, क्योंकि आपके सामने ये मेरा जो शेड है ना ये सारा ओपन है। ठीक है, वेंटिलेशन इसमें बेहतरीन है। ठीक है, और इनको जो है मैं बेसिकली सर्दियों में जो है डायरेक्ट हवा से भी बचाता हूँ। ठीक है, हर चीज की जो है ना इनकी एहतियात करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है ना डेड इन शेल का इशू मेरे पास नहीं आया। ठीक हो गया, तो इसके अलावा बाज का जो होता है मसला सीप सोकड़े का भी आ जाता है, उस तरह का भी कोई टेंशन नहीं? नहीं सर, वो मैं फेस कर चुका हूँ, उसमें आए थे। एक भाई से भी मैंने बर्ड लिया था, ठीक है, तो उस भाई ने मुझे नहीं बताया था जी, तो सोकड़े का मसला था। आपने पीछे से बर्ड जो परचेज किया था उसमें आया था, बाकी मेरी जो होम ब्रीड है उसमें अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो है ना सोकड़े का इशू किसी बर्ड में नहीं आया। ठीक हो गया, तो ये है कि वो जो सोकड़े वाला बर्ड आया था अल्लाह का शुक्र है कि उसके बारे में इल्म था कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज करवानी है, वो उनको दी थी और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरह से रिकवर हो गए थे। ठीक हो गया, तो माशाल्लाह से जो आपके बर्ड्स हैं वो उनकी जो एग रेशियो है कितनी है? सर जो नॉर्मल एवरेज है ना बॉस वो 4-5 तक है।
लेकिन मेरे पास एक फीमेल ऐसी है जिसने 9 एग्स तक भी दिए हैं मुझे। तो सर्वाइव रेशियो क्या है? सर्वाइव रेशियो तो सर बेसिकली जो है ना, वो मेरे पास बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ था वो सिर्फ पेल फेलो में हुआ था, बाकी सब की जो है ना वो 90% जो है ना वो सर्वाइवल रेशियो रही है। शायद ही कोई होता था, कोई बर्ड किसी के नीचे आके दबके मर गया तो मर गया, बाकी मतलब मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक हो गया। तो बाज का एक वजह और भी होती है कि कुछ जो न्यू फैंसियर होते हैं ना उनको इतनी मालूम नहीं होती, तो वो ना सिबलिंग्स वगैरह जो होते हैं ना वो उनको उनसे ब्रीड लेते रहते हैं। तो आपने सिबलिंग वगैरह तो नहीं लगाए हुए? नहीं सर, मेरे पास सिबलिंग्स नहीं है। ठीक है। और ये इस पॉइंट का भी जो है ना थोड़ा सा मैं एक अपने तौर पे जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा हुआ है, सिबलिंग्स भी जो है ना अगर आप फर्स्ट टाइम लगाते हैं ना तो इतना ज्यादा इशू नहीं आता, लेकिन ये है कि सेम के जो बच्चे है ना वो बार बार आप ब्रीड करवाएंगे तब इशू आना शुरू होगा, लाजमी होगा। ठीक है। अगर आप सिबलिंग ही ब्रीड करवाते रहेंगे तो फिर मतलब नहीं सर, वो करवाने भी नहीं चाहिए, कोई इतना जरूरी नहीं है। माशाल्लाह वो क्या कहते हैं ना, अगर जिस बंदे के पास दो मिनिमम भी दो पेयर्स लगे हुए हैं ना तो वो आप डिफरेंट जो है पेरेंट्स हो गए, बच्चे डिफरेंट आ गए, तो आपको सिबलिंग ब्रीड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंट आप अपना ब्रीड करवा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा चिक्स हैं तो आप चिक्स सेल करके भी न्यू आप किसी फैंसियर से या ओल्ड फैंसियर से खरीद के जोड़ा बना सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, मतलब आपके पास जो म्यूटेशन पड़ी हुई है या कमर्शियल बर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, आप एक टाइम के बाद ऐसा टाइम भी आता है कि आपको उसके लिए भी जो है ना या मेल चेंज करना पड़ता है या फीमेल चेंज करनी पड़ती है ब्लड लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये लाजमी सी बात है, ये तो क्या कहते हैं ना लाइफ सर्कल चलता रहता है, इसमें आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो इसमें ब्लड लाइन और पेडिग्री जो है वो कितनी मैटर करती है? सर बेसिकली तो इस फील्ड में आगे जो है ना पेडिग्री तो बर्ड्स की करती करती है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रीडर्स की भी बहुत ज्यादा करती है। सिंपल सी बात है सर, ब्रीडर्स की पेडिग्री ज्यादा अगर अगर उसमें चेकिंग हो जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग बर्ड अच्छा होता है लेकिन ब्रीडर का अक्सर बुरा निकल आता है। तो आप मुझे ये बताएं कि किसकी पेडिग्री चेक करेंगे? वो दोनों की चेक करनी पड़ेगी सर। बस यही चीज है कि जो बंदा अल्लाह से डर के करेगा ना वो इंशाल्लाह जो है ना कामयाब होगा, चाहे कुछ मुश्किलात उसको सामना करना पड़े। जाहिर सी बात है आप जब सीधे रास्ते पे चलते हैं ना तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप मुश्किल के बगैर जो है ना कहे ना कि यार मेरे पास अर्निंग आ जाएगी तो दुनिया के किसी काम में नहीं है। जी जी। तो इसमें जो सेलिंग का इशू है आपके लिहाज से क्यों आ रहा है सेलिंग, जो इनको सेल करना क्यों मसला बन रहा है? सर जवाब तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसके अलावा सर मनी डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं कि अगर आप अपने बर्ड की प्रमोशन करेंगे, उनके एड वगैरह फेसबुक पे लगाएंगे, यूट्यूब पे लगाएंगे तो वो सेल होने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैंने एड भी लगाए हैं फिर भी वजह आई, इशू आया, मुझे वजह बनी है, तो क्यों आया है? सर वो उनका कवर पॉइंट है जी। ये जो वो कहते हैं ना कि भाई आप ये इस तरह करेंगे तो सेल होगा, इस तरह करेंगे तो सेल होगा जी, उनके पास इसके अलावा जवाब नहीं है कोई। ठीक हो गया। ठीक है। अब मैं पिछले 2 साल से मार्केट में इन नू लव बर्ड की जी जी। ठीक है। मैं हर तरह का जो है वो कमेंट वगैरह पोस्ट वगैरह एड वगैरह लगा रहा हूँ जी, लेकिन फिर भी बर्ड जो है सेल नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि मैंने अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल लगाई है जी, जिनका लोग 12,000-12,000 रुपया लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उसमें मैं वो विजुअल रेड आइज है जी, अब उसमें मैं कौन सी ऐसी चीज ऐड करूं जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसों में सेल हो? कुछ अगर आपके पास ऐसा है बता दें मुझे। बेसिकली अच्छा है वो, इसमें मसला भी नहीं है सर। और बर्ड विद डीएनए हेल्दी और एक्टिव, किसी भी किस्म का 1% भी कोई कहे ना बंदा कि इश्यू है वो भी नहीं है। तो सोशल मीडिया के अलावा भी कोई मार्केट है जहां हम इनको सेल कर सकते हैं अच्छी अमाउंट में? नहीं सर, आपको सोशल मीडिया के अलावा जो है ना अगर आपके नेबरहुड में आपका जो है वो कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, नेबरहुड में लोग आपको जानते हैं या किसी स्पेसिफिक एरिया तक आपको लोग जानते हैं, तब तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से हैं तो सर वो तो मैं कहता हूँ उनसे तो ना अल्लाह ही बचाए, उन लोगों में ना इंसानियत खत्म हो चुकी है। ठीक है। वो लोग ना कहते हैं कि ये आ गया ना तो हम तो इस इंसान की खाल तक उतार ले तब भी हमारा जो है ना वो फायदा पूरा नहीं होगा। सही है। तो अब मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो न्यू फैंसियर है वो अब इसमें आए क्यों आए, इसमें अर्निंग है नहीं है, क्या क्या वो आपने जो इतने इशू बताए हैं कि ये जो इशू वो फेस करेगा, तो वो जो न्यू फैंसियर बेचारा आएगा वो कैसे आए इसमें, क्या वो इसमें अपना हॉबी को सीख के आए या वैसे ही आ जाए या क्या करे?
आने के लिए क्या किन बातों का ख्याल रखें? सर बेसिकली तो आपने जो अमाउंट लगानी है ना वो आपकी बहुत कीमती है, जो भी न्यू फैंसियर आ रहा है ठीक है, जब वो उसने मेहनत करके कमाया होता है ना तो उसको आइडिया होता है कि मैंने पैसा कैसे कमाया ठीक है, तो उसकी ना वो अपनी अमाउंट की अमाउंट को जो है वैल्यू खुद दे ठीक है, वो उस चीज को देखे कि मैंने इसको जो है अगर खर्च करना है तो किस मकसद के लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है ना, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले इसके बारे में सर्च करें, यूट्यूब भरा पड़ा वीडियो से आप इसके बारे में जानें ठीक है, वहां से आपको मुकम्मल मालूमात मिलती है, आप गेन करें ठीक है, फिर आप उसमें परचेजिंग करें, आपको आइडिया हो तो उसके मतलब यूट्यूब से वीडियो देखें, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहां पे आप जाके देखें कि किस बर्ड का क्या रेट चल रहा है ठीक है, उसकी सेलिंग कैसी है, आपको इतनी आसानी हो चुकी है ना, इतनी आसानी हो चुकी है कि आप हर चीज का ना आइडिया स्टार्ट करने से पहले ले सकते हैं ठीक है, तो आप वहां से पहले आइडिया लें, आपको समझ में आया कि यार मैं कैपेबल हूं कि मैं इसको लेके मैं आगे सेल कर सकता हूं, तो वो लाजमी आए, इसमें फिर कहूंगा कि इस जैसा बिजनेस बाकी में ही कोई नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि मसला उसको तब आता है जब उसके पास नॉलेज नहीं होता, अगर वो नॉलेज लेके आएगा तो इसमें इंशाल्लाह जरूर सक्सेस हो जाएगा। सर बिल्कुल ऐसा ही है, अब ये नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस इस वक्त तक बुरा है तो सारी जिंदगी बुरा रहेगा, या जो नया आएगा उसको बुरा ही एक्सपीरियंस फेस करने को मिलेगा, ये बिल्कुल भी जो है ना ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। सर हो सकता है कोई बंदा आए पहले ही सीजन में लाखों रुपए कमा ले, दैट डिपेंड्स ऑन लक ठीक है, उसकी लक कैसा काम करती है, तो इसलिए डीमोटिवेट करने का मकसद मेरा नहीं है, मेरा सिंपल सी बात है जो रियलिटी जो लोग छुपाते हैं मैंने सिर्फ वो आश्कार की है कि लोगों को पता चले इसमें रियलिटी क्या है ठीक है, सोच समझ के आए। मैंने तो बताया है कि गोल्ड में भी इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता जितना इसमें मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, सही है। तो सर अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सर मेरा नंबर है 03228009831 ठीक है, तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा के इस इंटरव्यू का मौका दिया मुझे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह मेहरबान।